आपको जो देना चाहता हूं वो है एंड्रॉइड की तरफ से ये खबर मिल रही है कि एंड्रॉइड ओएस 2.1 और उसके बिलो में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसका सपोर्ट एंड किया जा रहा है। हाँ, हाल ही में गूगल ने ये कहा है और ज्यादातर क्या है कि एंड्रॉइड वर्जन 2.1 या उसके बिलो में आपको बहुत सारे फीचर्स भी नहीं मिलते और गूगल के सर्वे के अनुसार यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2.1 एक्लेयर्स या उसके नीचे जो भी वर्जन्स अभी तक जिसका सपोर्ट गूगल दे रहा है तो ऐसा देखा गया है कि एंड्रॉइड 2.1 या उसके बिलो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके यूजर्स हार्डली 0.1% है वर्ल्ड में। हालांकि अगर ये भी देखा जाए तो गूगल का जो जिंजरब्रेड वर्जन है 2.3.6 उसका भी यूजर्स देखा जाए तो 0.8% है। तो इसीलिए गूगल ने कहा है कि वो लोग इस महीने के एंड तक गूगल प्ले मार्केट का सर्विसेज 2.1 या उससे बिलो जो भी एंड्रॉइड ओएस का वर्जन है वो स्टॉप करेंगे। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जहां तक आज का सवाल है एंड्रॉइड 7.0 भी निकल गया है और आगे और भी वर्जन्स रिलीज करेंगे गूगल, तो हर एक नए रिलीज पर हमें कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज मिलता है, कुछ ना कुछ नया फीचर्स भी ऐड होता है। सो मेरे ख्याल से आज के दिन में अगर आप 2.1 या उससे बिलो के ओएस का इस्तेमाल करेंगे तो आप ही डिसएडवांटेज में पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे एप्स अभी भी हैं जो 2.1 या उसके बिलो में सपोर्ट नहीं करता। तो आपका क्या मानना है? अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज शेयर कीजिए। इसी के रिलेटेड और एक न्यूज आपको मैं देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप हाल ही में कुछ दिनों पहले एक नोटिस दिया, नोटिस में कहा था कि वो लोग एंड्रॉयड 2.3.7 जिंजरब्रेड या उसके बिलो के वर्सन्स को अब और सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। पर हालांकि अभी अभी जो हमें न्यूज मिल रही है कि व्हाट्सएप ने कहा है कि 2.3.7 या उससे लोअर के जो ओएस है उसका सपोर्ट 2020 तक दिया जाएगा। हालांकि 2.1 और 2.2 एंड्रॉइड वर्सन जो है उन लोगों के लिए अभी भी कोई खबर नहीं मिली है कि उनको 2020 तक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। पर हाँ, जिंजरब्रेड यूजर्स के लिए ये एक खुशखबरी है कि वो लोग व्हाट्सएप 2020 तक चला सकते हैं। और भी कुछ न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, वो है नोकिया सिम्बियन S60 में जो अभी भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही बैड न्यूज होगा आपके लिए कि जून के एंड तक व्हाट्सएप अपना सपोर्ट बंद कर रहे हैं इस ओएस के लिए। और जो ब्लैकबेरी ओएस, ब्लैकबेरी 10, विंडोज 8 या उससे भी ओल्डर वर्जन्स के फोन यूज करते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ने कहा है कि उनका सपोर्ट अप टू 2017 के एंड तक दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं दिसंबर 2017 तक आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। और नोकिया S40 ओएस के जो यूजर्स हैं उन लोगों को ये सपोर्ट 2018 तक मिलेगा। और उन लोगों ने यह भी कहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो काइंडली अपना फोन अपग्रेड कीजिए व्हाट्सएप करने के। थर्ड न्यूज जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है OnePlus 5 के लॉन्च के बारे में, जो कि आज लॉन्च हो चुका है यानी June 22 को 2 बजे। और ये फोन आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली Amazon पर मिलेगा एक्सक्लूसिव। और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस देने वाला हूँ। OnePlus 3T के बाद ये नया सेट है जो OnePlus ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे Snapdragon 835 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही में ये फोन आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, एक 6GB रैम वाला और एक 8GB रैम वाला। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो 6GB रैम का जो वेरिएंट का फोन है उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज 64GB का मिलता है और 8GB रैम वेरिएंट का जो फोन है उसका इंटरनल स्टोरेज आपको 128GB का मिलता है। साथ ही साथ GPU है Adreno 540
और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते ही होंगे, और वन प्लस के हर फोन में ऑक्सीजन ओएस चलता है, और ये ऑक्सीजन ओएस एंड्रॉइड 7.1.1 नोगा के बेसिस पे बनाया हुआ है। डिस्प्ले 5.5 इंच है और 2.5T कर्व ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया हुआ है, और रियर कैमरा में दो कैमरा है, 20MP प्लस 16MP। हालांकि मैं अब कैमरा के बारे में बात करना चाहूंगा, 16MP है प्राइमरी कैमरा जो कि सोनी IMX398 सेंसर्स के द्वारा किया गया है, उसके साथ इसका एपर्चर है f/1.7, और 20MP का जो कैमरा है उसके साथ सोनी IMX350 सेंसर्स ऐड किए गए हैं जिसका एपर्चर है f/2.6। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 20MP का जो लेंस है वो टेलीफोटो लेंस है, और इसमें एप्पल आईफोन 7 की तरह पोर्ट्रेट मोड भी ऐड किया गया है जिससे कि आप अच्छे क्वालिटी के फोटोज ले सकते हैं, और फ्रंट कैमरा 16MP का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनल स्टोरेज डिफर करते हैं, जैसे कि 64GB 6GB रैम के लिए और 128GB 8GB रैम के फोन के लिए है, और डुअल सिम है जिसमें दोनों स्लॉट सी नैनो आपको मिलेंगे, और कनेक्टिविटी तो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है जिससे कि डैश चार्ज सपोर्ट होता है और यूएसबी टाइप सी फास्ट भी होता है, और साथ ही साथ 4G वोल्टी GPS ब्लूटूथ 5.0 NFC ये सब भी है। और अदर फीचर्स मैं कहना चाहूंगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स है जो कि कंपनी के मुताबिक बताया गया है कि 0.2 सेकंड्स में फोन अनलॉक हो जाता है। आपको यहाँ पे दो कलर्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप 64GB इंटरनल मेमोरी वाला अगर फोन लेंगे तो आपको स्लेट ग्रे कलर मिलेगा, और अगर आप इंटरनल स्टोरेज 128GB के साथ फोन खरीदते हैं तो आपको मिडनाइट ब्लैक का वर्जन मिलेगा। बैटरी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसका बैटरी 3300mAh का है जिसके साथ आपको डैश चार्ज टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा 5.5 इंच फोन में 3300mAh का बैटरी थोड़ा कम ही है, हालांकि हमने ये भी देखा है कि OnePlus 3 और OnePlus 3T में चार्ज भी ज्यादा रहता नहीं है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बैटरी थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा होता। वैसे भी यहाँ वन प्लस ने डैश चार्ज टेक्नोलॉजी दिया है जो बहुत ही एडवांटेज है वन प्लस यूजर्स के लिए, आधा घंटा में एक दिन का चार्ज हो जाता है, वैसे ये तो बहुत एडवांटेज है। और तो वन प्लस 5 के प्राइसेस के बारे में अब आपको मैं बताना चाहूंगा, स्लेट ग्रे जो कि 64GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है जिसमें आपको 6GB रैम का ऑप्शन मिलता है, उसका प्राइस फिक्स किया गया है 32,999 एज पर Amazon, और 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसके साथ आपको 8GB रैम मिलता है उसका प्राइस फिक्स किया गया है 37,999 जो आपको मिडनाइट ब्लैक कलर में मिलेगा। जो मैं आपको ये देने वाला हूँ कि सैमसंग ने ये रिवील किया है कि गैलेक्सी नोट 8 हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, और अगस्त 26 का डेट दिया है उन्होंने कि अगस्त 26 को गैलेक्सी नोट 8 अनाउंस होगा ऑफिशियली। और हम तो जानते ही हैं कि गैलेक्सी नोट 7 के बारे में क्या हुआ था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे जिसके वजह से गैलेक्सी नोट 7 को बैन कर दिया गया था। हालांकि ये भी नहीं, जिन लोगों ने नोट 7 खरीदा भी है उनके पास से भी सैमसंग ने वो रिप्लेस कर दिया है। तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि नोट 8 में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो नोट 7 में था, और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले होगा और स्लिम भी होगा। हालांकि तरह गैलेक्सी नोट सीरीज में जो हम देख सकते थे कि एस पेन का इस्तेमाल है, और हाँ एक और बात भी है, इस बार गैलेक्सी नोट 8 में डुअल कैमरास है बैक में, तो हम ये देख सकते हैं अब खाली लॉन्च डेट की अपेक्षा में।